साथियों, मेरी बेटी रितिका और आरवी की सगाई के अवसर पर आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए हमारी खुशी में शामिल होने के लिए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो ना आगे चल के देखते हैं। नहीं यार, मैं यहीं से देख लूँ। संदीप जी, जी अब जैसे समधी जी ने अपने मन की बात कही, वैसे ही सगाई के इस शुभ अवसर पर मैं भी अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। I give speech in English, made myself. English? Wow, एक सरप्राइज तुम्हारी मॉम की तरफ से भी। अरे मॉडी रे, अब ये क्या स्पीच देगी? इलेक्शन लड़ रही है क्या? Today is big day, but my son biggest than this day. My son is Superman's son. He is Charlie, not Chaplin, huh? He is a handsome. He is a dashboard. He is not ready-made businessman. He is hardly working. Working home, home to home, famous, every home, number one businessman, my son, but he is shy, don't know why, he make my husband, his bapu, proud. Amba ma's proud, we both proud of him. He is daring, only God fearing. He is sitting in life. We both very happy. ये माँ भी ना, ये चैताली काकी से इंग्लिश सीखने की क्या जरूरत है? Come on, Arbi, so sweet of her. अरे मारी रे, कौवा चला हंस की चाल। स्पीच सुपर फ्लॉप्स, जूते पड़ेंगे, नौलो का हार तो कैंसर। चलो चलो चलो, भागो भागो। आप सब हंस रहे हैं ना, मुझे अच्छा लगा। काकी प्लीज प्लीज ये लाइन बोलिए। आप सब हंस रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। Good, I'm happy. Good, I am happy. I wanted all of you to laugh. I wanted wanted all of you to laugh. All you to laugh. On this joyous occasion. On this joyous occasion. कि वैसे भी हंसी आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है। वैसे भी हंसी तो बड़ी मुश्किल से मिलती है ना आजकल। प्लीज एक्सक्यूज माय इंग्लिश। एक्सक्यूज
my English and just feel my emotions. Just feel the emotions. I'm very happy for my son. I am really happy for my son. And I always want him to be happy. I want him to be always happy. My good wishes? My good wishes are always with the couple. Are always with the couple. Thank you so much for your presence. Thank you so much for presence. And your sporting spirit. And sporting spirit. Thank you. मैं यहाँ ताली बजाने नहीं आऊँ। माँ, तूने तो कमाल कर दिया। कैसी लगी मेरी स्पीच? बहुत अच्छी। अच्छा रणवीर, चलो अब सगाई शुरू कर दो। मुहूर्त निकला जा रहा है बेटा। शांत हो जाइए। वो क्या है ना, आरवी की एक एम्प्लॉई है, बेहोश हो गई। और आरवी को तो आप जानते ही हैं, जितना प्यार अपने काम से करता है उतना ही ख्याल अपने एम्प्लॉईज का भी रखता है। बस जब तक उसकी खबर नहीं ले लेता उसको चैन नहीं आएगा। भाई तब तक वो स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक सब सर्व करो, बस 2 मिनट में आ जाएगा। हाँ
शानी, शानी उठो, शानी, आंखें खोलो अपनी, शानी। बेहोश हो गई थी इसलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। मैंने चिराग के नाम का व्रत रखा था जिसे तुमने पानी पिला के तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी? तुम्हें पता है कितना बड़ा अपशगुन होता है किसी और के हाथ से व्रत टूट जाना। अपशगुन तो होना ही, चिराग जैसे आदमी के साथ शादी जो कर रही उसके साथ शादी कर तुम्हारी पूरी लाइफ अपशगुन ही बन जाएगी। कोई अपनी लाइफ स्पॉइल करके किसी और के लिए व्रत कैसे रख सकता है? चलो तुम अपनी आंखें बंद करके कैसे रास्ते पर चल पड़ी? ना आगे जाकर तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला। एंड अनफॉर्चुनेटली जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो ना, वो तुम्हारा साथ साथ से पहले चले जाए। तुमने सुबह से व्रत रखा हुआ है ना? क्या उसे तुम्हें एक बार भी फोन किया, तुम्हारा हाल पूछा, तुम कहाँ हो, कैसी हो? तुम्हें जरा सी भी फिक्र नहीं और तुम उसकी सलामती के लिए व्रत रख रही हो। चिराग और मेरे बीच की बात है, नन ऑफ योर बिजनेस। आपकी बेटी ठीक है, बस अभी गई है और अगर आप चाहें तो उसे फोन लगाकर उसका हालचाल पूछ सकते हैं। वो तो ठीक है लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? मैं यहां तुम्हारे लिए आई, जानना था मुझे कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, क्यों इतना ख्याल रखते हो ईशानी का, क्यों उसे आज भी किसी मुसीबत में नहीं देख सकते। तुम सिर्फ लोगों के लिए बदले हो रणवीर, ईशानी के लिए आज भी तुम वही हो, उसके बचपन के दोस्त जिसे बा के ताने सुनने से बुरा नहीं लगता था। बुरा तब लगता था जब ईशानी तुमसे नाराज होती थी, जिसे तकलीफ तब नहीं होती थी जब बा तुम्हें मारती थी, तकलीफ तब होती थी जब ईशानी को चोट लगती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था ना? जिंदगी उम्मीद में जीनी चाहिए, गलतफहमी में नहीं। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। आपकी बेटी मेरी सिर्फ एक एम्प्लॉय और वो बेहोश हो गई, इसलिए मैं उसे उठाकर रूम में लेकर गया था, उस पर पानी डाला, उसे होश में लाया, दैट्स ऑल। जैसा मैं अपने बाकी एम्प्लॉयज का ख्याल रखता हूँ उसी तरीके से मैंने उसका ख्याल रखा। शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुम उसी जिम्मेदारी की बात कर रहे हो ना जो मेरे पति ने तुम्हें दी थी जब ईशानी 9 साल की थी, कि हमेशा उसका ख्याल रखना, उसके साथ रहना। वक्त के साथ साथ वो जिम्मेदारी दोस्ती में बदल गई और फिर प्यार में। तुम्हारे दिल में ईशानी के लिए जो फीलिंग्स है ना रणवीर, तुम उनका नाम बदल सकते हो लेकिन उन्हें छिपा नहीं सकते, क्योंकि तुम उन्हें जितना छिपाने की कोशिश करते हो उतनी ही वो तुम्हारी आंखों में दिखाई देती है। बस कीजिए आप, आपकी बेटी ने मेरे सर में नहीं खराब की,
और आप मेरा टाइम खराब कर रहे हैं। आप मेरे मोटा बाबूजी की वाइफ और मेरे फादर इन लॉ की गेस्ट, इसलिए मैं आपसे रूड नहीं होना चाहता। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने घर जाएं और मैं अपनी सेरेमनी कंटिन्यू करूं। आपके रणवीर ने बिना कही बता दिया कि वो ईशानी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि रणवीर ईशानी की शादी नहीं होने देगा। सुधरेगी नहीं ना तू? उस दिन जब मैंने तुझे रणवीर के कमरे में देखा, तभी मैं समझ गई थी कि तेरे कदम कहां जा रहे हैं, तेरी नजर कहां जा रही है। तेरा जादू रणवीर पर नहीं चला तो अब तूने नौटंकी शुरू कर दी। वो सब कुछ छोड़ के तेरे पास चला आए, कोई तमाशा हो और सगाई टूट जाए, यही चाहती थी ना तू? ऐसा मैंने अच्छे से जानती हूँ, तुझे और तेरी माँ को जब खून एक है तो नियत अलग कैसे हो सकती है? जिन पैसों की वजह से तूने मेरे बेटे को इस घर से धक्के मार के निकलवाया था, उन्हीं पैसों की वजह से अब तू इस घर पे वापस आना चाहती है ना? बिल्कुल वैसे जैसे तेरी माँ ने तेरे बाप के साथ किया। याद रख, मेरे बेटे की कमजोरी तू तब तक थी जब तक वो तुझसे प्यार करता था, अब तू उसकी नफरत के भी लायक नहीं है। आखिरी बार समझा लिए, सुन ले, 4 दिन बाद मेरी बेटे की शादी है। अगर अपनी बुरी नजर मेरे बेटे और बहू पर डाली तो तेरी ऐसी नजर उतारूंगी कि तुझे और तेरी नजर को चौराहे पे फेंक के आऊंगी, समझी? चल निकल यहां से, चल निकल। जैसी मां वैसी बेटी, इनकी तो परछाई भी ना पड़े मेरे रणवीर पे। I'm sorry, I'm really very sorry. What do you mean you're sorry? एक तो तुम अचानक से गायब हो जाते हो और फिर मिलते भी हो तो ऐसे। तुम थे कहाँ? वो माय पीए इशानी। I know कि वो बेहोश हो गई थी, लेकिन उसका हालचाल पूछने के चक्कर में तुमने अपना शादी का इरादा तो नहीं बदल दिया? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हारे सामने थी, तुम मुझे रिंग पहनाने वाले थे, फिर भी तुम्हें वही दिखी और मुझसे पहले उसका ख्याल आया। तुम्हारा ही ख्याल था, इसीलिए उसे बचाने गया। मेरी सगाई तुमसे टूटे नहीं, इसलिए तुम्हारा हाथ छोड़ के मुझे उसे बचाना पड़ा। वो क्या है कि अगर उसे यहाँ पर कुछ हो जाता तो ऐसे बड़े मौके पर एक अपशगुन हो जाता और हमें हमारी सगाई पोस्टपोन करनी पड़ती, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। तो टेक्निकली तुमसे शादी करने के लिए मुझे उसे बचाना पड़ा, बट नीड नॉट टू वरी, शी इज कंप्लीटली फाइन और वो घर भी जा चुकी है। अरे तुम दोनों यहाँ हो और सब लोग तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रहे, सगाई की रस्म पूरी करनी है, मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो जल्दी। हो गई तसल्ली या अभ्यास लगाए बैठी है कि वो तेरी बेटी से शादी करेगा
देख ले, देख ले, ध्यान से देख ले, सगाई हो गई। सगाई हुई है ना बा? शादी तो नहीं? वो माड़ी रे, वो भी हो जाएगी। अब ये मत कहना कि सात फेरे देखने के बाद ही तो हार मानेगी। फाल्गुनी, तेरा वो सपना भूल जा। तू जो सोच रही है ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.